हेलो फ्रेंड्स, एमएस यूट्यूब सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंजन के मुख्य भाग एवं उनके नाम और उनकी इमेज के साथ एक वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। हम निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके इंजन के मुख्य जो भाग हैं उनके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा सिलेंडर लाइनर, यानी सिलेंडर लाइनर की बनावट किस तरीके की होती है और कैसा रहता है, तो इसके बारे में। सेकंड टॉपिक है पिस्टन, यानी पिस्टन किस तरीके का होता है और उनका नाम, उसका नाम, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तीसरा टॉपिक है कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड के बारे में बताना चाहता हूँ मैं दोस्तों कि कनेक्टिंग रॉड किस टाइप की होती है, इसकी बनावट कैसी होती है, इमेज में कैसे दिखाई देती है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वाल्व, यानी वाल्व किस टाइप का होता है, कैसे देखने में कैसा दिखाई देता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। अगला टॉपिक है कैमशाफ्ट, यानी कैमशाफ्ट के बारे में। अगला टॉपिक है क्रैंकशाफ्ट। इसके बाद फ्लाई व्हील, फ्यूल पंप, वाटर पंप, सिलेंडर हेड, गैस्केट, पिस्टन रिंग और गजन पिन, वाल्व स्प्रिंग एवं ब्लॉक। दोस्तों, ये मेरे जो इंजन के मुख्य टॉपिक्स हैं, मुख्य भाग हैं, उनके बारे में ही बताऊंगा मैं दोस्तों। और ये मुख्य भाग हैं इसके, इनके बिगैर इंजन जैसे कि पार्ट्स का प्रत्येक का अपना अपना कार्य होता है, लेकिन दोस्तों इसके ये सेंसिटिव पार्ट हैं, इनके द्वारा इंजन का चलना मुश्किल होता है। हालांकि सभी पार्ट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। और दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये किस तरीके की इनकी बनावट होती है और कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम। पहला है सिलेंडर लाइनर। अब इसकी बनावट देखिए दोस्तों किस तरीके की होती है। ये लाइनर ये किसके अंदर रहता है, ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के अंदर डाला जाता है। यदि हम डायरेक्ट ब्लॉक के अंदर ही हम पिस्टन को डाल देंगे तो दोस्तों ब्लॉक खराब हो जाएगा, तो इसके लिए लाइनर डाला जाता है और लाइनर के अंदर पिस्टन डाला जाता है, जिससे कि ये घिस जाए तो दोबारा से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी दूसरा इसके अंदर डाल सकते हैं। और इंजन की बनावट के हिसाब से ये अलग अलग होते हैं, इंजन की बनावट के आधार पर। देखिए दोस्तों, जैसे कि 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, तो ये 16 सिलेंडर, 12 सिलेंडर, तो ये सब अलग अलग बनावट के हिसाब से और मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अलग अलग ये लाइनर होते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, पिस्टन, पिस्टन रिंग, पिस्टन ऑयल, कनेक्टिंग रॉड और गजन पिन। अब ये देखिए दोस्तों, ये पिस्टन है, इसमें पिस्टन रिंग भी लगा हुआ है, कनेक्टिंग रॉड भी लगा हुआ है, और इसका जो सिरे हैं उसको क्या क्या नाम दिया गया है। पिस्टन, अभी देखिए पिस्टन में जो ऊपर की जो रिंग है कंप्रेशन रिंग, नीचे जो रिंग लगी हुई है वो लुबाइल की रिंग है, इससे जस्ट नीचे। यानी देखिए दोस्तों, मैं आपको बात करूं, ये यहाँ पे पिस्टन बॉस क्या लगता है, यहाँ पे पिस्टन पिन लगता है। और देखिए दोस्तों, ये कनेक्टिंग रॉड, इसका नाम क्या है, कनेक्टिंग रॉड। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये इसका बिग एंड सिरा होता है कनेक्टिंग रॉड का, और ये वाला जो सिरा होता है जहाँ पिस्टन पिन लगती है इसमें आके जुड़ती है, तो इसको कौन सा है, स्मॉल एंड सिरा बोलते हैं दोस्तों। और ये पिस्टन, ये क्या होता है दोस्तों, पिस्टन। इसके बाद ये पिस्टन रिंग। तो देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या क्या नाम से इसको जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पिस्टन रिंग है, कौन सी रिंग है, पिस्टन रिंग। ये नीचे की ये जो है ऑयल रिंग, ये वाली कौन सी है, ऑयल रिंग। इसके बाद में ये पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये बिग एंड बेयरिंग हो गया, और ये स्मॉल एंड बेयरिंग जहाँ पर ये पिस्टन पिस्टन पिन के साथ में जुड़ता है, तो इसको ये नाम दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड, तो देखिए दोस्तों, सिलेंडर हेड ये सिलेंडर ब्लॉक को ढकने का कार्य करता है, और इसके साथ साथ इसमें वाल्व लगाए जाते हैं, वाटर जैकेट भी इसमें के अंदर होता है ठंडा करने के लिए इंजन को,
इसके बाद देखिए दोस्तों, इस तरीके के अलग अलग यानी कंपनियों का या अलग अलग कंपनियों के बनावट के आधार पर अलग अलग तरीके के ये सिलेंडर हेड होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सिलेंडर हेड है। अभी देखिए सिलेंडर हेड के अंदर ये वाल्व लगाए हुए हैं। कौन से क्या लगाए हुए हैं? वाल्व। ये क्या है? सभी वाल्व। अगला टॉपिक है कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड मैंने अभी आपको बताया था, स्मॉल एंड बेयरिंग। यहाँ पे कौन सी बेयरिंग लगती है? स्मॉल एंड बेयरिंग। और यहाँ पे कौन सी लगती है? बिग एंड बेयरिंग। या कोई स्मॉल एंड सिरा बोल इसको स्मॉल एंड सिरा बोलते हैं, और इसको बिग एंड सिरा बोलते हैं। और इस तरीके की इसकी बनावट होती है कनेक्टिंग रॉड की। मेरे इस वीडियो का माध्यम से यह बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि आपको समझ पाएँ कि जैसे स्टार्टिंग में स्टूडेंट जो हैं, ये पार्ट्सों का नाम पता नहीं रहता, तो वो इससे समझ पाए कि किस तरीके का पार्ट कौन सा और रहता है, तो वीडियो देखते ही पता लग जाएगा कि इस पार्ट्स का नाम ये है और इसके नाम हैं। इसके बाद में वाल्व। अब देखिए दोस्तों, ये जो है सिलेंडर हेड, इसके ऊपर जो ये लगाया गया है, ये क्या है? वाल्व। ये क्या है? वाल्व, जिसकी बनावट इस तरीके की होती है। तो ये देखिए, ये जो वाल्व है, इसका ये सिरा जो होता है, इसको क्या बोलते हैंड, इस सिरे को क्या बोलते हैं? हेड। और ये क्या है? इसका मार्जिन, यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होती है इसमें, इसको क्या बोलता है? मार्जिन। और इसके बाद ये फेस होता है, ये वाला सिरा कौन सा होता है? इसका फेस। और ये वाल्व है, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है इसको स्टीम बोलते हैं। और यहाँ पे स्प्रिंग लगती है, जैसे कि ये स्प्रिंग लगी हुई है दोस्तों, ये स्प्रिंग लगने के बाद ये स्प्रिंग रिटर्निंग लॉक लग जाता है यहाँ पर। और इसका ऊपर का जो सिरा है, इसको क्या बोलते हैं? टिप। तो ये इस तरीके के वाल्व की बनावट रहती है। और देखिए दोस्तों, इंजन के अंदर वाल्वों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। वो कौन सा कार्य होता है? देखिए वाल्वों का जो काम है, अभी देखिए वाल्व के द्वारा ही सिलेंडर के अंदर शुद्ध हवा आती है। क्या आती है? शुद्ध हवा आती है। अब वाल्व जो है, शुद्ध हवा, यदि वाल्व नहीं होंगे तो हवा नहीं आएगी उसके अंदर। क्यों? किस तरीके से? क्योंकि इसमें मैंने आपको, मेरे जो वीडियो हैं इससे पहले आपको बताया है कि सक्शन स्ट्रोक के अंदर इनलेट वाल्व खुला हुआ रहता है। तो इनलेट वाल्व खुला हुआ रहेगा तो ये वाल्व कैसे खुला रहेगा? ये सब केम की सहायता से ऑपरेटिंग होते हैं। वाल्व जो है किसकी सहायता से होते हैं? केम की सहायता से, केम शाफ्ट की सहायता से ये ऑपरेट होते हैं। और इंजन के अंदर जो वाल्व हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। यदि टू स्ट्रोक इंजन रहेगा तो टू स्ट्रोक इंजन के अंदर वाल्व, इनलेट वाल्व की जगह क्या होता है? पोर्ट होता है। क्या होता है? पोर्ट। और एग्जास्ट वाल्व भी लगे रहते हैं, जैसे कि अभी रेलवे का जो लोको है, ये हाई हॉर्स पावर जो लोको है, उसके अंदर एग्जास्ट वाल्व दिए गए हैं, लेकिन इनलेट वाल्व की जगह क्या दिया हुआ है? उसके अंदर पोर्ट। जबकि टू स्ट्रोक इंजन जो होता है, जैसे टू सिलेंडर इंजन होता है, उसके अंदर क्या दिया है? उसके अंदर क्या है? इनलेट पोर्ट, एग्जास्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट, इस तरीके से होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है केम शाफ्ट। केम शाफ्ट की बनावट इस टाइप की होती है। ये इसके द्वारा ही वाल्व ऑपरेट होते हैं। केम शाफ्ट के हिसाब से ही जो है, केम शाफ्ट के मुंह के हिसाब से ही ये क्या होते हैं। अब केम शाफ्ट काफी बार क्या होता है, देखिए अभी ये लोब है, ये है केम लोब, इस तरीके से अभी जैसे घूमेगी यहाँ वाल, इसके ऊपर जैसे आएगा तो ये ऊपर होने लगेगा, इसकी स्प्रिंग दबने लगेगी, इससे वाल्व ओपन और क्लोज होंगे, ये लोब की वजह से ही होते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद में जो ये हिस्से हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? केम जनरल। ये कौन से हिस्से हैं? केम जनरल बोलते हैं इनको, है ना दोस्तों। इसके बाद में केम शाफ्ट पोजिशन सेंसर होता है इधर। इसके बाद ये जो है, इसको थ्रस्ट बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। और ये केम लोब जो अभी मैंने बताया आपको, ये वाला, ये क्या है? केम लोब होते हैं। यानी दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केम शाफ्ट यदि टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वाल्व सही तरीके से ऑपरेट नहीं होंगे, नहीं खुलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि समय पर उसमें हवा नहीं आ पाएगी, ठीक है, एग्जॉस्ट गैसें समय पर नहीं निकल पाएंगे। तो इस तरीके से ये बहुत रहता है, इसका सेंसिटिव पार्ट होता है इंजन का ये। और इसके अंदर इसका टेढ़ापन को नापने के लिए ये गेज से नापा जाता है, केम शाफ्ट, सीधेपन की जांच। इसके बाद देखिए क्रैंक शाफ्ट। देखिए दोस्तों, इंजन का ये सबसे अति महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है, और इसी के इंजन है वो
चलता है। देखिए दोस्तों, यदि ये सही तरीके से काम नहीं करेगा तो इससे पिस्टन टूट जाएगा, कनेक्टिंग रॉड टूट जाएगा और सही तरीके से इंजन काम नहीं करेगा। तो बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होता है और सबसे महंगा पार्ट्स भी होता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए अभी आपको ये पता करना है क्रैंकशाफ्ट में ये कितना सिलेंडर का क्रैंकशाफ्ट है। तो कैसा पता करेंगे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके क्रैंक पिन को गिनेंगे। तो देखिए क्रैंक पिन एक तो ये हो गया इसका, एक दूसरा क्रैंक पिन ये हो गया, एक क्रैंक पिन ये हो गया और एक क्रैंक पिन ये हो गया। तो ये कितने सिलेंडर का इंजन है, कितने सिलेंडर का होगा? ये 4 सिलेंडर इंजन का होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अभी 4 सिलेंडर का है तो इसके अंदर अब आप देखेंगे दोस्तों मेन जनरल कितने होंगे इसके अंदर। तो देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये। तो ये टोटल कितने हो गए? 5। कितने हो गए? ये 5। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, 4 सिलेंडर इंजन जो क्रैंकशाफ्ट होती है उसमें क्रैंक पिन तो 4 ही होगी क्योंकि जितने सिलेंडर होंगे उतनी क्रैंक पिन होंगी। लेकिन देखिए दोस्तों कि मेन जनरल जो है वो कितने हैं यहाँ पे? 5। कितने हैं दोस्तों? 5। तो इस तरीके से ये याद रखना है दोस्तों। और बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होता है। उसके बाद में ये जो है क्रैंक वेट होते हैं, ये बैलेंसिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये बैलेंसिंग का दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील का जो काम होता है वो इंजन का बैलेंसिंग का काम करता है। किसका काम करता है? बैलेंसिंग का, और संतुलन बनाए रखना, इंजन का जो संतुलन बनाए रखने का काम रहता है। ये सब इंजन की बनावट के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको फ्लाई व्हील इस टाइप का रहेगा तो इसको रिंगर गियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिंगर गियर बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है गजन पिन, यानी कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ने के लिए ये डाली जाती है। इसको क्या बोलेंगे? गजन पिन बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? गजन पिन। पिस्टन बॉस जो है उसके अंदर गजन पिन डालते हैं और इसको पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए, जिसमें कौन सा सिरा डालते हैं इसके अंदर? स्मॉल एंड सिरा जाता है। और ये लॉक नट है, ये ग्रूव बना हुआ है, यहाँ पे लॉक डाल देते हैं, इसके बाद में ये इधर उधर निकलेगा नहीं। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग, अभी पिस्टन के जो ऊपरी जो रिंग होती हैं उनको कौन, स्टॉप की जो रिंग होती हैं उनको कौन सी रिंग बोलते हैं? कंप्रेशन रिंग। कौन सी रिंग बोलते हैं उसको? कंप्रेशन रिंग। और नीचे की जो रिंग होती है उसको कौन सी रिंग बोलते हैं? लुबाइल रिंग। कौन सी बोलते हैं? लुबाइल रिंग। कंप्रेशन रिंग का कार्य क्या रहता है? कंप्रेसर को लीक होने से बचाने का। और लुबाइल का क्या होता है कि सिलेंडर की दीवारों पर, यानी लाइन जो सिलेंडर की दीवार है, लाइनर की दीवारों पर जो आया हुआ तेल है उसको खुरच करके वापसी सम्प में डालने का कार्य रहता है। साथ साथ ही इसको जलने से बचाता भी है, क्योंकि यदि ये रिंग नहीं लगाई जाएगी तो इसके लिए क्या है कि जो लुबाइल है ऊपर जाएगा और वो कंप्रेसर के संपर्क में आकर के जलेगा। तो ये इस टाइप की रहती है दोस्तों। अभी देखिए इसमें है ना, यहाँ मार्किंग रहती है, अलग अलग तरीके की लाइन वाल रहती है, जैसे कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, या डी यानी 4, और 0 रिंग यानी 4-5 प्रकार की रिंगें रहती हैं अलग अलग तरीके की। तो देखिए दोस्तों ये भी इंजन का मुख्य पार्ट्स होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों वाल स्प्रिंग एंड लॉक। वाल्व स्प्रिंग एंड लॉक, अभी ये वाल्व है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, तो ये वाल्व है। इसके अंदर देखिए दोस्तों ये जो है ना, इसके वाल्व गाइड को डालेंगे इसके अंदर, फिर इसके वाल्व गाइड इसके अंदर डालने के बाद में स्प्रिंग डालेंगे, स्प्रिंग डालेंगे और वाल्व स्प्रिंग रिटर्नर क्लैंप डालेंगे इसके अंदर और फिर इसका लॉक नट डालेंगे और इस तरीके से। तो ये वाल्व स्प्रिंग होती है। इसका भी दोस्तों काफ़ी बार क्या है, स्प्रिंग टूट जाती है, जैसे कहीं से भी ब्रोकन हो जाती है, इसकी वजह से इस पर टेंशन कम हो जाता है तो वाल्व समय वाल्व है वो खुलता नहीं है और इसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने पहले भी बताया आपको कि वाल्व जो है, वाल्व का कार्य क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर ताज़ा हवा आना और एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने का काम ही वाल्व के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों गैस्केट। गैस्केट का क्या है कि दो पार्ट्सों को जोड़ने के लिए उनके बीच में गैप नहीं रहे, पानी, लुबाइल और फ्यूल, इन तीनों ही पाइपलाइनें जहाँ लगाई जाती हैं उनके लिए गैस्केट लगाई जाती है,
जहाँ पर ये लीकेज नहीं हो पाए, इसके लिए दो जॉइंटों को जोड़ने के लिए गैस्केट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए फ्यूल पंप। देखिए दोस्तों, फ्यूल को किस मात्रा में कैसे भेजा जाए, तो ये फ्यूल पंप का काम होता है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये जो है ना आपको ये फ्यूल पंप, अभी इस फ्यूल पंप के हिसाब से अपन कैसे बता सकते हैं कि ये कितने सिलेंडर का फ्यूल पंप है। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या है कि यहाँ पे आपको देखना है कितने डिलीवरी होल्डर लगे हुए हैं, एक, दो, तीन और चार। तो ये कितने का है, चार सिलेंडर का FIP पंप है। ये देखो हैंड प्राइमिंग पंप लगा हुआ है, यदि इसमें एयर आती है तो इसको हम दबाएंगे, प्राइमिंग करेंगे, फीड करेंगे, तो इससे क्या है इसकी एयर लॉक होता है, तो उसको निकाल दिया जाता है। तो ये चार सिलेंडर का है। अभी देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी जहाज है, रेलवे है, इस तरीके का पंप उपयोग होता है, और ये जैसे कि 16 सिलेंडर, 12 सिलेंडर इंजन जो होता है इसका, वो 16 सिलेंडर, तो इसके अंदर ये उपयोग होता है, इस तरीके का पंप है। और 6 सिलेंडर इंजन भी होता है रेलवे का, संटिंग जो पावर है उसमें भी इस तरीके के जो पंप है उपयोग में लिया जाता है। ये अलग अलग साइजेस के हिसाब से होता है, 16 mm की जिसकी सिम लगाई जाती है, 17 का भी रहता है, 18 का भी रहता है, तो इस तरीके से ये पंप लगाया जाता है। थैंक यू दोस्तों। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।